2016 जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम रहा है. ओलंपिक से लेके पैरा ओलंपिक्स तक हमारे देश की महिलाओं ने ढेर सारे मेडल जीते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में भी वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसका सिक्का जमा रहा. फिर चाहे पिंक हो, नीरजा हो या दंगल हो, पूरे देश में एक ही बात गुंज रही है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के. बिल्कुल. तो पाजी, आज एक ऐसी ही फीमेल गेस्ट को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने न्यूज रीडिंग और एंकरिंग की दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं. प्लीज वेलकम बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट, सबसे तेज न्यूज रिपोर्टर में से एक, माय फेवरेट, श्वेता सिंह. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई हैं आप. बिल्कुल. पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पर लगा दी. सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना, तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं. अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे. तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? कहते हमारी तो पेमेंट हो रही है. आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए श्वेता, यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी. एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी. मैं अच्छा. छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी. अच्छा. लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला. ओके. तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे जी. तो नौकरी मिल गई, बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई. तो उसके बाद बस. एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप, न्यूज़ पढ़ती हुई बहुत अच्छी लगती हैं. मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा. इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज़ सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज़ 10-15 बार सुन लेता है आदमी. अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ होगा? नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं. सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, कभी न्यूज़पेपर है, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज़ पता भी चल जाती है. लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुन ही लो. पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ ही जाएंगे. जोक्स अपार्ट, पर मज़ा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी न्यूज़ पाजी, कमर्शलाइज भी हो गई. मैंने बहुत बार कहा ना कि कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं आप, नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे तो देते, ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो, इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है. कई बार ऐसा होता है भाई. जो पहले की न्यूज रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज पढ़ देती थी. अच्छा? सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना. पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को, आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे. प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म भी नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था. पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ल्ड को. ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने. और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है. हाँ. जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है. हाँ. सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान. तो बड़ा मजा आता है हमें देख के. विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता है 150-200 बना लिया. बड़ा मजा आता है. एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम. वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है. आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में ही देखा है. मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए. मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत है ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहां धूल मिट्टी में जाओगी. तो जो अनफिट हो जाते ना मोटे मोटे, उनको चलो फील्ड में भागो. मैम, आप इतनी स्टाइलिश न्यूज रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं उनका पूरा स्टाफ होता है, टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है मतलब? हमारा कोई नहीं रहता. अच्छा? सब कुछ खुद करना होता है. हाँ. खुद ही रेडी होके और 5 मिनट में. बिल्कुल. तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉयज जो है उनका काम बहुत बढ़ गया रात रात तक, तो आपका भी ऐसा ही होता? कोई 24 घंटे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है. मैंने बहुत बार देखा, मैं एक दो बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज, तो ये रेडी एकदम से. ओके, ये न्यूज आगे, कैमरा ऑन. मैम, आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में रात 2 बजे.
सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। क्या बात। नहीं वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे तो इट वॉज अ वेरी बिजी शेड्यूल। अच्छा श्वेता मैम ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है जैसे न्यू ईयर है या होली है तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें ऐसा। हाँ होता है। होता है बहुत प्रिडिक्टेबल होता है 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा। हाँ वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से। वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं। मतलब आप पे बहुत सूट करता है आज तक हम तो बरसों तक देखने को तैयार। मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज इतनी जल्दी किस बात की रहती गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं एक साथ खबर शतक जी उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब T20 है न्यूज जल्दी जल्दी बता नहीं है नहीं तो खबर रह जाएगी खबर आएगी ही नहीं सारी तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके और आप हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा इनकी खासियत भी होती है एक कि अगर न्यूज इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे हमारे शो के बारे में कोई न्यूज बनानी हो आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं जी आइए। तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम TKSS खतरा। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं वो चाह रहे हैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है। सिद्धू जी इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आज कुछ आए फिर आज क्या बात है तुम जो मर्जी कह लो मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है। अरे सिद्धू तू क्यों गिला उससे बार बार करता है। सही वक्त है सही वक्त है सियासत में कदम धर दे देख पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है। आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना कोई अच्छी ड्रेस पहने और दूसरी सहेली पूछे कहाँ से लिए तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगे लेके आई इधर से ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल्स में तो आपको पूछा ये खबर कहाँ से मिली तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स हमेशा करना होता है। ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो 3 चीजें होती है जर्नलिज्म में और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो पहले लिखने का अपना असर है बहुत तगड़ा असर है लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं मैं नहीं कहता और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा तो समझे। तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना दिखना सुनना चेहरा सब बातें कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम ने मैंने देखा आप आपके सामने बहुत अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप कि डर गई हूँ कि अरे मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू उनसे क्यों डर गए वो तो बड़े नहीं वो हैं, बड़े। वो इतना बड़ा क्रिकेटर है आपको। दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह है। नहीं तो बोले नहीं 2 की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम 3 लोग थे पहले से हरभजन आए और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी ओहो
और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे लुक जी। अच्छा हाँ, ये कैसी किस्मत है आपकी, गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए आते ही। पहले आपने एक चीज देखी होगी न्यूज चैनल में, अगर कोई भी सपोज मुद्दा उठ गया उस मुद्दे पे डिबेट होती है और उसके एक्सपर्ट भी आ जाते हैं कि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आए हैं। अच्छा वो एक्सपर्ट आपको कहाँ से मिल जाते हैं, मतलब हर मुद्दे पे एक्सपर्ट मिल जाते हैं और वो इतने एक्सपर्ट है तो फिर खाली क्यों बैठे होते हैं वो, वो कम वो बाहर ही रहते हैं न्यूज चैनल के। मुझे तो लगता है ये लोग ना 5-7 लोग ही हैं टोटल, ज्यादा है नहीं, तो न्यूज चैनल के बाहर बैठे रहते हैं वो, बाहर सिगरेट पीते, क्या हुआ क्या ट्वीट कर दिया, हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ ना, हाँ जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कि आपके न्यूज़ चैनल के बाहर तो नहीं घूमते। अगर इसके बाद किसी गेस्ट ने मेरे चैनल पे आने से मना किया कि आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो फिर आप देखिएगा, फिर हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बनकर आप आए किसी देश में। मैं आ जा करूंगा, मैं हर मुद्दे पर बोल सकता हूँ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।